हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2019, तो मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से ले आया हूं डेली करंट अफेयर वीडियो। तो चलिए उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उत्तराखंड से तासी और नुंगसी मलिक। उत्तराखंड से तासी और नुंगसी मलिक का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तासी और नुंगसी जुड़वा बहने हैं जो कि पर्वतारोही हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्होंने वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मूलतः यह हरियाणा की हैं, लेकिन अभी यह देहरादून में रहती हैं। इन्होंने अपने पर्वतारोहण की शुरुआत 2009 से उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM से पर्वतारोहण के कोर्स से की थी। मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री पुरस्कार नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में चौथा पुरस्कार है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में कितने फीसदी तक की छूट दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने 50% तक की छूट दी है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि धारा 180 में जुर्माने को 5,000 रुपए से घटाकर 2,500 कर दिया गया है। धारा 182 ख में 10,000 रुपए जुर्माने को घटाकर 5,000 कर दिया गया है, जबकि धारा 177, 178, 178.2, 178.3 क और 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए खुद पे काम करना है कि आपको ये धाराएं पढ़नी कि कौन सी धारा किसके लिए है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर सहमति जारी किया? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मीटिंग थी, तो वहां पर मंत्रिमंडल ने ज्योरी ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर अपनी सहमति दे दी है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में पंचायतें कितने स्तर पर बटी हुई? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में इस समय पंचायत चुनावों का जोर चल रहा है, पंचायत चुनावों की तैयारी चल रही है निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो उत्तराखंड में पंचायतें 3 स्तर पर बटी हुई हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसके लिए निर्वाचन आयोग 20 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हमारे थे उत्तराखंड के करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में बढ़ जाएगा, तो इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा, सेवानिवृत्त IAS अरुण गोयल तथा भारतीय नागरिक लेखा सेवा ICAS के पूर्व अधिकारी गिरिराज प्रसाद जी। इसकी अध्यक्षता पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा जी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 84 और धारा 85 के तहत इस कमेटी का गठन किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका द लेसेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया से किस वर्ष तक मलेरिया को समाप्त किया जा सकता है? तो मलेरिया को 2050 तक समाप्त किया जा सकता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 41 वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा तैयार की गई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्ष 2000 से 2017 तक 20 देशों से मलेरिया की समाप्ति घोषणा कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इस बीमारी से संक्रमित चौथा सबसे बड़ा देश है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है। यह मेट्रो कोच BEML लिमिटेड द्वारा निर्मित है। BEML को पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहते थे। यह एक मिनी रत्न श्रेणी एक की कंपनी है। इसकी स्थापना मई 1964 में रेल कोच और स्पेयर पार्ट तथा खनन उपकरणों के निर्माण के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो नेपाल के साथ। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ रिमोट के जरिए मोतिहारी आमाखेल अमालेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। यह पेट्रोलियम लाइन या पाइपलाइन 69 किलोमीटर लंबी है,
यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। इसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हुआ है और इसकी लागत 324 करोड़ रुपए आई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव बनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, नृपेंद्र मिश्रा जी अभी रिटायर हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर प्रमोद कुमार मिश्रा जी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव बनाया गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा जी का जन्म 11 अगस्त 1938 को उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। वह 1972 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अफसर भी हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने वन लाइनर की तरफ। हमारा पहला वन लाइनर है, सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924 पुस्तक को इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है या विक्रम संपत की कौन सी अभी हालिया पुस्तक जारी हुई है, यह पूछा जा सकता है। फिर दूसरा हमारा वन लाइनर है, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने टेक कंपनी गूगल के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत गुरुग्राम ताकि पुलिस सड़क बंद होने, डायवर्जन, ट्रैफिक सूचना इत्यादि के बारे में गूगल मैप्स के बारे में सूचना जारी करेगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इस बारे में जानकारी गूगल मैप्स में अपडेट किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों के लिए उपयोगी सूचना प्राप्त हो सकेगी। अगला हमारा वन लाइनर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज 12 सितंबर को झारखंड के रांची से किसान मानधन योजना लॉन्च करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी आत्महत्या रोकने के लिए एकजुट होकर कार्य करना। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको हमारी करंट अफेयर वीडियो कैसे लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी रहती होगी। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।